नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियां जिंदगी की पर मैं शैली नारायण प्रस्तुत करती हूं श्री नरेंद्र कोहली जी द्वारा रचित एक उपन्यास वसुदेव का सातवां अध्याय। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमेशा की तरह आग्रह है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए सुनते हैं। कंस ने बड़े समारोह से वसुदेव का स्वागत किया। अरे भाई, आर्य वसुदेव को अच्छे आसन पर बिठाओ, ना हो तो कोई सिंहासन ले आओ। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया और फिर वसुदेव से बोला, उस आसन पर क्यों बैठ रहे हो जिस पर प्रत्येक आने जाने वाला बैठता है? वह परिचारिका की ओर मुड़ा, खड़ी खड़ी क्या कर रही है, जा पहले वह अंगराग ला जो त्रिविका आज दे कर गई है, फिर मगध से जो माधवी आई है वह ला। वसुदेव जी आए हैं, उनका महत्व क्यों नहीं समझती? वे हमारे मंत्री ही नहीं हैं, हमारे भगिनीपति भी हैं, वृष्णि कुलपति हैं, मगध साम्राज्य के आधार स्तंभ हैं। वसुदेव कंस का यह सारा नाटक देखते रहे। वह पाखंडी उनको प्रभावित करने का प्रयत्न कर रहा था। वह शायद चाहता था कि वे यह स्वीकार कर लें कि वह अब भी उनका वैसा ही मित्र था जैसा कभी हुआ करता था। जानता वह भी था कि अब ना वह स्थिति है ना हो सकती है। कदाचित इसीलिए वह स्वागत सत्कार में कुछ अतिरेक का प्रदर्शन कर रहा था, पर उसे अपना पाखंड छुपाना भी नहीं आता था। और मथुरा का राज्य मगध साम्राज्य का अंग कब से हो गया? वह सचमुच ही स्वयं को जरासंध का मंडलेश्वर मान बैठा है, या मानता है कि जरासंध का राज्य भी उसके पश्चात इसी को मिलने वाला है। सुनो परिचारिके, वसुदेव ने परिचारिका को रोक लिया, महाराज इस समय भूल गए हैं कि मैं माधवी इत्यादि का सेवन नहीं करता। माधवी चाहे मगध की हो चाहे देवलोक की। क्यों छोड़ दी? कंस हंसा। छोड़ता वह है जो कभी पीता रहा हो, वसुदेव ने कहा। मैंने कभी आरंभ ही नहीं की तो छोड़ने का प्रश्न कहाँ है। कभी नहीं पी? महाराज जानते हैं कि मैंने कभी नहीं पी। मुझे माधवी अथवा किसी भी सुरा में कभी रुचि नहीं रही, वसुदेव कुछ खींच कर बोले। सार्वजनिक रूप से नहीं पी यह मैं जानता हूं, किंतु एकांत में? कंस कुछ दृष्ट हो चला था। मैं यह अंतर नहीं करता, वसुदेव बोले। मुझे स्मरण आता है कि तुम कभी कभी मेरे साथ बैठकर पी लेते थे, कंस बोला। यह आपकी मदांतता की स्मृति है, वसुदेव ने कहा। आप यह सब छोड़कर कृपा पूर्वक मेरी बात सुने, मैं आपके पास एक महत्वपूर्ण कार्य से आया हूं। बोलो, कंस ने सुनने की मुद्रा बनाई। महाराज, किंतु कंस ने उन्हें आगे कहने नहीं दिया, बोला, इतने पराए होकर क्यों बोल रहे हो बंधु? हम मित्र हैं, तुम मेरे मंत्री और भगिनी पति भी हो। वह सब ठीक है, वसुदेव बोले, किंतु इस समय मैं मथुरा के अधिपति महाराज कंस के पास ही आया हूँ। मथुरा का अधिपति कंस तुम्हारे मित्र से कहीं भिन्न है क्या? कंस का हास्य आत्मीय तो नहीं था, किंतु अनौपचारिक अवश्य था। हाँ महाराज, वसुदेव बोले, मथुरा का राजा मेरा मित्र होता तो मुझे आज नगर द्वार पर रोक नहीं लिया जाता। आपने तो मुझे कभी नहीं कहा, किंतु नगर द्वार के रक्षकों के नायक ने मेरा रथ रोककर मुझे बताया कि मुझे अपने गोकुल में जाने की भी अनुमति नहीं है। महाराज कंस के आदेशानुसार मैं नगरबंदी हूँ, अतः मैं मथुरा की प्राचीर से बाहर नहीं जा सकता। जो व्यक्ति नगर भर में कहीं भी जा सकता है, जो किसी से भी मिल सकता है, वह बंदी कैसे हो सकता है? कंस जैसे अपनी सच्चाई के प्रति पूर्णतः आश्वस्त था। पर मैं नगर से बाहर क्यों नहीं जा सकता? वसुदेव भूल गए थे कि कंस क्रुद्ध हो जाए तो किसी का वध करने के लिए उसे एक क्षण को भी सोचना नहीं पड़ता। सुनना ही चाहते हो तो
तो सुनो। कंस क्षण भर में ही पर्याप्त कठोर हो गया लगता था। यदि तुम नगर के बाहर चले गए अथवा एक बार मेरे नियंत्रण से मुक्त हो गए तो तुम अपने वचन का कदापि पालन नहीं करोगे। किस वचन का? यह भी भूल गए ना? कंस हंसा। इसी का तो भय है मुझे। आपको मालूम है कि मैं अपने वचनों का पालन करता हूं। इसी का विश्वास करके ही तो चल रहा हूं मित्र, कंस बोला। किंतु अब तुम यह आप छोड़ो और मुझसे मित्रों के समान बात करो, ताकि मैं विश्वास कर सकूं कि तुम मुझसे रुष्ट नहीं हो। रुष्ट होने का मुझे क्या अधिकार है? फिर वही बात, कंस बोला। तुम्हारी ये बातें अपने आप में प्रमाण है कि तुम मुझसे रुष्ट हो। यदि यह सत्य भी हो तो आपको क्या अंतर पड़ता है? मेरा रोष आपका क्या बिगाड़ लेगा, जबकि आपका रोष क्षण भर में मेरे प्राण ले लेगा, वसुदेव बोले। ऐसी बात है तो मेरी बात ध्यान से सुनो वसुदेव, कंस बोला। तुम ठीक कह रहे हो कि हमारी मैत्री में भी यह भेद बना ही रहेगा कि मैं चाहूं तो तुमसे समानता का व्यवहार कर सकता हूं, किंतु तुम मुझसे समानता का व्यवहार करोगे तो वह तुम्हारे हित में नहीं होगा। मैं तुम्हें मित्र कह रहा हूं तो इसका अर्थ है कि मैं तुमसे रुष्ट नहीं हूं। अब रही तुम्हारे वचन की बात। तुमने मुझे वचन दिया है कि तुम देवकी के प्रत्येक पुत्र को, नहीं उसकी प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही मेरे पास ले आओगे, और मुझे यह अधिकार होगा कि मैं उसका वध कर दूं। तुम इसे मेरी शत्रुता नहीं मानोगे? यह मेरी ओर से आत्मरक्षा का प्रयत्न है। मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा शिशु जीवित रहे जो बड़ा होकर मेरा वध करने का विचार भी मन में ला सके। मैं उसे बड़ा होने ही नहीं दूंगा। अपना वचन स्मरण है मुझे, वसुदेव बोले। उसका मुझे बंदी करने से क्या संबंध? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? हाँ, अब तुम बोले मित्रों के समान। कंस कुछ सहज हुआ। मुझे तुम्हारा विश्वास है, इसलिए मैंने तुम्हें और देवकी को जीवित छोड़ दिया। अन्यथा मैं अपने संभावित शत्रुओं को जीवनदान नहीं दिया करता। कंस इतना उदार कभी नहीं रहा, और ना वह बनना ही चाहता है। हम दोनों ही तुम्हारे शत्रु नहीं हैं। जानता हूं, कंस बोला, पर तुम मेरे काल के उत्स हो सकते हो। व्यक्ति को उस जल स्रोत को अपनी आंखों के सम्मुख रखना चाहिए जिसमें उसके डूबकर मरने की संभावना है। मैं उस जल स्रोत को नदी अथवा सागर बनने ही नहीं दूंगा जिससे उसकी गहराई इतनी हो सके कि मैं उसमें सिर तक डूब सकूं और मर जाऊं। वसुदेव समझ रहे थे कि कंस के मन में क्या है। वे थोड़ी देर तक चुपचाप उसे देखते रहे और फिर बोले, अच्छा तुम मुझे बंदी बनाकर मथुरा में रखो, मैं कोई आपत्ति नहीं करूंगा। मैं मथुरा से बाहर भी नहीं जाऊंगा, किंतु अपने पशुधन का ध्यान तो करना ही पड़ेगा। कभी कभार तो जाकर देखना ही होगा कि गोपाल क्या कर रहे हैं। उसके लिए परिवार से कोई तो होना चाहिए जो जाकर देख सके। मैं नहीं जाता तो देवकी को ही जाने दो। नहीं, कंस कुछ इस प्रकार चिल्लाया कि वसुदेव समझ नहीं पाए कि वह क्रुद्ध था अथवा भयभीत। कभी नहीं, देवकी तो कभी नहीं, किसी मूल्य पर नहीं। क्या इतना पर्याप्त नहीं है कि मैंने उसे जीवित छोड़ दिया है? उसने रुककर वसुदेव को देखा जैसे चेतावनी दे रहा हो। इस प्रकार की चतुराई मुझसे मत करना। तुम चाहते हो कि देवकी अपने गर्भ के साथ मथुरा से सुरक्षित बाहर निकल जाए और किसी निरापद स्थान पर अपनी संतान को जन्म दे, और तुम्हारा वह पुत्र साधन संचित कर मुझ पर आक्रमण करे। मैं यह सब नहीं होने दूंगा। देवकी मथुरा से बाहर नहीं जा सकती। क्या देवकी मेरा त्याग कर कहीं चली जाएगी? संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, कंस बोला। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि देवकी अपने प्राणों के भय से मुझे मथुरा में छोड़कर भी जा सकती है, वसुदेव मुस्कुराकर बोले।
पर यदि वह अपने पहले गर्भ की रक्षा के लिए मुझे छोड़कर चली जाएगी तो उसके आठवें पुत्र का जन्म कैसे संभव होगा? कंस को जैसे कोई तर्क नहीं सूझा, झपट कर बोला, मैं यह सब कुछ नहीं सुनना चाहता। और फिर तुम कहते हो कि हम मित्र हैं। हम तब तक मित्र हैं जब तक तुम मुझसे चतुराई नहीं करते। तुमने चतुर बनने का प्रयत्न किया तो मैं तत्काल तुम्हारा भयंकर शत्रु हो जाऊंगा। कंस के नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। मैं शत्रुता करने वालों को भी क्षमा कर सकता हूँ, किंतु धूर्तता करने वालों को नहीं। मुझसे कभी चतुराई मत करना। वसुदेव ने उसके नेत्रों की लालिमा को देखा, किंतु वे उससे विचलित नहीं हुए। बोले, तो कहो तो अपने गोकुल की सारी गौएं अपने गोपालों को दान कर दूं? क्यों? जब मैं उन तक जा नहीं सकता, उनका कोई लाभ नहीं उठा सकता, तो फिर उनका स्वामी बने रहने का क्या लाभ है? वसुदेव बोले, गोपाल भी प्रसन्न हो जाएंगे और मथुरा राज्य को मेरे गोकुल से दूध मिलना भी बंद हो जाएगा। धमका रहे हो? कंस जोर से हंसा। नहीं, ना तो तुम्हारी कोई हानि चाहता हूँ, ना मैं अपनी क्षति करना चाहता हूँ। वे गौवे तुम्हारी ही रहेंगी। हाँ, यह सोचना पड़ेगा कि तुम्हारे परिवार से कौन अपने गोकुल में जाकर गोपालों को निर्देश इत्यादि देगा। वसुदेव कुछ नहीं बोले, वे चुपचाप कंस को देखते रहे। देखें वह इस समस्या का कैसे समाधान करता है। तुम कह रहे थे कि मैं अकेली देवकी को गोकुल में जाने की अनुमति दे दूं। कंस ने मौन होकर वसुदेव की ओर देखा। हाँ, कह तो रहा था। तो क्या देवकी गोकुल का काम संभाल सकती है? कंस ने पूछा। अब तक उसने कभी यह काम किया तो नहीं है, किंतु संकट में ऐसे बहुत सारे प्रयोग करने पड़ ही जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि मैं देवकी को मथुरा से बाहर जाने की अनुमति दे दूं, तो वह अपने गोकुल का काम संभाल लेगी। कंस बोला, ऐसा ही समझ लो। यदि आपात स्थिति में यह काम देवकी कर सकती है तो रोहिणी भी कर सकती होगी। कंस हंसा, वह तो राजकन्या भी नहीं है। हाँ, शायद। वसुदेव कोई स्पष्ट उत्तर देना नहीं चाहते थे। तो फिर ऐसा करो, कंस ने कहा, तुम गोकुल का काम रोहिणी को सौंप दो, मैं उसे मथुरा से बाहर जाने से नहीं रोकूंगा। कंस रुक कर मुस्कुराया। तुम हमारे पुराने मित्र हो, तुम्हारा कष्ट देखा भी तो नहीं जाता। वसुदेव का मन बहुत स्फूर्ति से काम कर रहा था। ठीक है, कंस को रोहिणी और रोहिणी की संतानों से कोई भय नहीं था, इसीलिए वह रोहिणी को मथुरा से बाहर जाने की अनुमति दे रहा था। इस प्रकार वह तो सुरक्षित थी ही। उसके मथुरा से निकल जाने से उन लोगों को क्या लाभ होगा? कोई लाभ हो ना हो, वह नंदगांव में अपने गोकुल के साथ रहेगी, तो मथुरा से बाहर एक ठिकाना तो होगा। आज रोहिणी के लिए एक मार्ग बना है, कल देवकी के लिए भी बन जाएगा। पर यदि भविष्य में रोहिणी का कोई पुत्र जन्म लेता है तो तुम यह तो नहीं कहोगे कि वह देवकी का ही पुत्र है? क्यों कहूंगा, मूर्ख हूं क्या? कंस ने अपने स्वर में माधुर्य का कुंभ उड़ेल कर कहा, मित्र किसी संभ्रम में मत रहो। एक मित्र का विश्वास कर सको तो मेरा विश्वास करो। मुझे तुम्हारे किसी पुत्र से कोई आशंका नहीं है। उनसे मैं उतना ही प्रेम करूंगा जितना कि तुम उनसे करते हो। उनसे मेरा कोई विरोध नहीं है, किंतु तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, मैं डंके की चोट कह रहा हूं कि देवकी की किसी भी संतान को जीवित नहीं छोड़ूंगा। वसुदेव ने कंस की ओर देखा, कहे या ना कहे, फिर सोचा कह ही देना चाहिए, कहे बिना तो बात बनेगी नहीं। मैं तुम्हारी बात का विश्वास करता हूँ, तुम अपनी बात से फिर जाओगे ऐसा कहने का दुस्साहस मैं नहीं कर सकता, किंतु तुम शंकालु तो हो ही। वसुदेव बोले, रोहिणी जाकर स्थायी रूप से गोकुल में ही तो नहीं रहने लगेगी, वह मथुरा आती जाती रहेगी।
कल को तुम्हें संदेह हो जाए कि वह देवकी का पुत्र ले गई है और उसे पाल रही है तो? वसुदेव कंस की ओर देखते रहे। कंस कुछ नहीं बोला तो वे स्वयं ही बोले, इससे तो अच्छा है कि हम सब मथुरा में ही रहें, ताकि तुम्हारा कोप देवकी के पुत्रों तक ही सीमित रहे। मेरी अन्य रानियों की संतानें तुम्हारे संदेह से मुक्त रहें। कंस को वसुदेव का यह रूप जैसे अपराध बोध दे गया। बोला, मैं किसी पर भी कुपित नहीं हूँ, मुझे समझने का प्रयत्न करो। मैं केवल आत्मरक्षा के लिए यह सब कर रहा हूँ। आत्मरक्षा वह तब होती जब तुम पर आघात किया जाता और तुम अपने आक्रांता का वध करते। वसुदेव बोले, यह कैसी आत्मरक्षा है कि अपने एक भविष्यवक्ता के कहने मात्र से तुम अपनी बहन की सारी संतानों को मार डालना चाहते हो, और ऐसा करने में सफल हो सको उसके लिए तुमने देवकी और मुझे एक प्रकार से बंदी बना लिया है, और यह सब किया है मित्र बनकर। यदि तुम मुझे अपना शत्रु मान लो और मेरा वध कर डालो तो मैं तनिक भी प्रतिवाद नहीं करूंगा, पर तुम मित्र भी बने रहना चाहते हो और मुझे बंदी भी करना चाहते हो, देवकी के पुत्रों के वध का संकल्प भी लिए बैठे हो और चाहते हो कि देवकी तुम्हें अपना प्रिय भाई भी मानती रहे। कंस के नेत्रों में व्यग्रता उभरी और वसुदेव मौन हो गए। मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ, इसीलिए चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना मित्र ही मानो और देवकी मुझे पहले के ही समान अपना प्रिय भाई माने। मैं तुम दोनों से प्रेम करता हूँ, पर मैं स्वयं अपने आप से भी प्रेम करता हूँ, अपनी रानियों और अपने पुत्रों से भी प्रेम करता हूँ, इसलिए स्वयं भी जीवित रहना चाहता हूँ। वह रुक गया। तुम ही बताओ, मैंने तुम लोगों को मथुरा से बाहर नहीं जाने दिया, किंतु अन्य कोई दुर्व्यवहार किया? तुम्हारी गोकुल वाली कठिनाई मैंने समझ ली है, इसलिए स्वयं कह रहा हूँ कि रोहिणी को मथुरा से बाहर जाने तथा मथुरा में लौटकर आने की अनुमति है। वसुदेव के मन में आया कि कहे कि तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो, पर तभी तक जब तक तुम्हारी इच्छा का अतिक्रमण नहीं होता। तुम्हारी इच्छा के बाहर तो किसी को कोई अधिकार ही नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हारे पिता को भी नहीं। तुम्हें राज करने की इच्छा हुई तो अपने पिता को भी कारागार में डाल दिया। यादवों ने बहुत भूल की कि उसे तुम्हारा पारिवारिक क्षेत्र मानकर अथवा तुमसे डर कर अथवा अपने निहित स्वार्थों में उलझकर उग्रसेन का साथ नहीं दिया। उस अवसर पर मौन रह गए। अब भी एक भविष्यवक्ता की सच्ची झूठी भविष्यवाणी से विचलित होकर तुम देवकी की सारी संतानों का वध कर देना चाहते हो। अपराध अभी हुआ नहीं और तुम उसके लिए हमें दंडित करना चाहते हो। यादव अब भी मौन है। जब तुमने देवकी का वध करने के लिए खड्ग ताना था तब भी वे मौन थे। उन्हें कदाचित अब मौन रहने की बान पड़ गई है, पर मौन से अन्याय का प्रतिकार तो नहीं होता। आज अत्याचार वसुदेव के साथ हो रहा है तो उनके कान पर जू नहीं रेंग रही, पर अत्याचारी का प्रतिरोध ना हो तो वह संतुष्ट होकर कहीं रुक तो नहीं जाता। वह निरंतर अपना प्रसार करता है। वह वसुदेव को नष्ट कर शांत तो नहीं होगा। कल वह अत्याचार अन्य यादवों को भी अपना ग्रास बनाएगा। तब वे स्मरण करेंगे कि कभी वसुदेव के साथ भी अत्याचार हुआ था, राक्षसी अत्याचार। तो यह मेरे मित्र कंस का वचन है कि रोहिणी तथा मेरी अन्य रानियों की संतानें सुरक्षित हैं? वसुदेव ने पूछा। तुम्हारे मित्र कंस का भी और महाराज कंस का भी, कंस ने कहा। मैं देवकी की संतानों को जीवित नहीं छोड़ सकता, अन्यथा मेरी मित्रता का जो प्रमाण चाहो मांग सकते हो। वसुदेव घर लौट आए। कुछ बात बनी? देवकी ने पूछा। कोई विशेष नहीं, वसुदेव बोले। वह इतना तो मान गया है कि रोहिणी गोकुल में जाकर गोधन का पालन पोषण करे, किंतु हम दोनों को वह किसी भी स्थिति में मथुरा से बाहर जाने की अनुमति नहीं देगा। तो हम उसके बंदी बने रहेंगे और वह हमारे पुत्रों का वध करता रहेगा?
देवकी के स्वर में चीत्कार था। इतनी जल्दी हताश हो जाना तो कोई अच्छी बात नहीं देवकी। वसुदेव ने मुस्कुराकर स्थिति को सहज बनाने का प्रयत्न किया। अब मुझे अपनी अन्य सारी रानियों को किसी न किसी बहाने यथाशीघ्र मथुरा से बाहर सुरक्षित स्थानों पर भेज देना है, और फिर जैसे भी बने हम भी मथुरा से निकलने का प्रयत्न करें। प्रसन्न? पर देवकी हंस नहीं पाई, बोली, मैं हताश नहीं हूं किंतु आपके समान निश्चिंत भी नहीं हूं। मैं तुम्हें निश्चिंत दिखाई देता हूं। देवकी तत्काल हाँ नहीं कह पाई, पर कुछ प्रयत्न कर बोली, अपनी तुलना में तो मैं आपको निश्चिंत ही पाती हूं। मैं कंस के पास गया था, किस लिए? क्योंकि मैं निश्चिंत हूं। मैं तो अब कंस का मुख भी नहीं देख सकती, आप जाने उससे कैसे बात करते हैं। देवकी बोली, सोचती हूँ कि जिस समय उसने ताऊ जी को कारागार में डाला था, पिताजी को उसी समय उसका विरोध करना चाहिए था। वह केवल पिता और पुत्र का क्षेत्र नहीं था, उससे तो सारे यादवों का भाग्य अनुस्यूत है। ठीक कहती हो, वसुदेव बोले, किंतु बात केवल इतनी ही नहीं है कि यादवों ने एक पुत्र को अपने पिता के साथ निबटने के लिए मुक्त छोड़ दिया था। उसके साथ जरासंध का भय भी था, और कितने ही लोग चाहते थे कि महाराज उग्रसेन की पकड़ राज्य पर से कुछ ढीली हो। क्यों? क्योंकि महाराज उग्रसेन उनके स्वार्थों के आड़े आ रहे थे। वसुदेव बोले, स्वार्थियों और अपराधियों को न्यायी राजा अपने अनुकूल नहीं लगता। आप कहना चाहते हैं कि महाराज उग्रसेन जैसे न्यायी राजा को भी कुछ लोग नहीं चाहते थे? न्यायी राजा को तो न्यायी प्रजा ही पसंद कर सकती है। वसुदेव बोले, अराजक तत्व कभी भी सक्षम और न्यायी राजा की कामना नहीं करते। और जब उसने मुझे मारने के लिए खड्ग निकाल लिया था, तब क्या हुआ था? तब तो मुझे यही लगा कि यादव अब अपनी एकता को ही नहीं खो चुके, वे संकीर्ण, स्वार्थी और भीरु भी हो चुके हैं। वे सामूहिक हित के लिए नहीं, केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ही लड़ सकते हैं। सोचते हैं कि कंस दुष्ट है, किंतु दूसरों के लिए। मेरे साथ तो वह कोई दुष्टता नहीं कर रहा ना। किसी और के लिए कोई अपने प्राणों पर संकट क्यों झेले? यह तो क्षत्रियत्व नहीं है, देवकी ने कहा। हाँ, इसे क्षत्रियत्व का लोभ ही समझो। तो हमारा भविष्य क्या है? मथुरा के यादवों में से क्षत्रियत्व का लोप हुआ है, प्रकृति में से सात्विकता का लोप तो नहीं हो गया? वसुदेव हंसे, धैर्य रखो, प्रत्येक सूर्यास्त के पश्चात सूर्योदय भी होता है।